मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि उनके जीते जी देश का जो संविधान है, जिसमें एससी एसटी को आरक्षण देने की बात है, उसको कोई बदल नहीं सकता और उनके जीते जी कोई मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकता। कांग्रेस ने फिर कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और वो लोगों को डरा रहे। दरअसल ये मुद्दा क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो रिजर्वेशन वाला मामला है, ऐसा क्यों इतना इस चुनाव में इतना हावी हो गया है और प्रधानमंत्री को बार बार बोलना पड़ रहा है। दरअसल जो आरक्षण है हमारे देश में, जो संविधान के तहत दिया गया है और वो भी 10 साल के लिए दिया गया था, जो जब हमारा संविधान पास हुआ था 1949 में और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि हमारे देश में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण रहेगा और वो उसी व्यवस्था के तहत रहेगा जो अंग्रेज़ों ने 1931 के सेंसस के हिसाब से की थी। और ये इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है, सरकारी नौकरियों में, प्रमोशन में, सरकारी संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और उसके बाद राजनीति में। यानी हमारे देश में 15% सीटें लोकसभा की हो चाहे विधानसभाओं की हो, वो एससी के लिए रिजर्व है और 7.5% एसटी के लिए रिजर्व है। इसमें बीच में ओबीसी आ गया, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो 27% ओबीसी भी आ गया, लेकिन उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है ओबीसी के लिए, बाकी सब जगह सरकारी नौकरियों में है और सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें है। इस चुनाव में क्यों मुद्दा बना, क्योंकि ऐसा कांग्रेस को लगता है कि अभी तक जो अगड़ी जाति के लोग हैं, यानी जो फॉरवर्ड कास्ट है, वो बीजेपी के साथ है और जो ओबीसी कास्ट है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, और ऐसे ही जैसे साउथ में चले जाएं तो साउथ में डीएमके और एआईएडीएमके के साथ है, और फिर ऐसे रीजनल पार्टियों में बांटा हुआ है। अगर हम झारखंड चले जाएं तो शिबू सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये उनके साथ है, तो इस तरह से ये बांटा हुआ है। तो कांग्रेस को लगा कि हर जाति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ फंसी है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ है, और कांग्रेस का जो अगड़ी जाति एससी मुस्लिम एसटी, ये कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था तो उनके हाथ से निकल गया। इसलिए ये राहुल गांधी ने दांव फेंका है कि हम ओबीसी की सेंसस कराएंगे और जो 50% की रिजर्वेशन की सीमा है उसको तोड़ेंगे, यानी उससे ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में करीबन 67% ओबीसी हैं लेकिन रिजर्वेशन 27% है। तो वो याद दिला रहे हैं लोगों को कि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको एम्पावर होना चाहिए, यानी आपको ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से कि ताकि ओबीसी अगर कांग्रेस को वोट डाले तो अकेले वो सरकार में आ सकती है, तो बार बार कह रहे हैं कि हम ओबीसी का, हम इस देश का एक्सरे करेंगे, ओबीसी करेंगे, ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे और जो संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, देश के लोगों की संपत्ति है, उसका हम उसका भी एक्सरे करेंगे, उसका भी सर्वे करेंगे। तो इससे बीजेपी थोड़ी सी विचलित हुई है, क्योंकि अगर 27% का जो आरक्षण है अगर वो 67% हुआ और एससी एसटी का उसमें जो करीबन 22% और जोड़ दें तो फिर ये करीबन करीबन आप समझिए कि 80 से ऊपर चला जाएगा, लगभग लगभग 90% हो जाएगा। तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी कि जो नारी, किसान, युवा और गरीब, इन चार जातियों को उन्होंने कहा था, तो इन चार जातियों में सभी जाति धर्म आ जाते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि ओबीसी का जो बार बार कह रही है कांग्रेस और खुद कह रही है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, और उसके बाद उन्होंने नारा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे और एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, यानी खुद संविधान बदल के वो ओबीसी डालेंगे और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान संशोधन करके रिजर्वेशन हटा देगी।
तो लोगों के दिमाग में दरअसल जो हमारे वोटर हैं उनके दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे शायद एक वजह है, वो वजह है आरएसएस की विचारधारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को जातियों में नहीं बांधता, उसका मानना है, आरएसएस का मानना है कि इस देश के लोग हैं वो सब बराबर हैं, न कोई अगड़ा है न कोई पिछड़ा है, न कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र है। तो इसलिए जब आरएसएस के आप शाखाओं में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि एक तो किसी का नाम नहीं लिया जाता, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण की उसकी जाति से नहीं बोला जाता उनको, जैसे आनंद जी, प्रकाश जी, जी लगा के संबोधित किया जाता है, उनकी जाति से नहीं। जैसे मोहन भागवत को जरूर आप कहेंगे कि जो आरएसएस चीफ है वो तो ब्राह्मण है, मराठी ब्राह्मण, तो उन्होंने अपने नाम का कि भागवत क्यों लगाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद जब वो आरएसएस में आए होंगे तो छोटे रहे होंगे, और चूँकि उनके उनके पिता भी आरएसएस में थे तो हो सकता है कि उन्होंने तब उनका नाम उन्होंने जोड़ दिया हो, लेकिन जब आरएसएस की शाखाओं में वो आए होंगे ज़रूर उनका नाम पर मोहन जी लिखा गया होगा। तो इसलिए आरएसएस की विचारधारा है कि इस देश में कोई जाति नहीं है, और इसलिए आप देखते हैं कि जब जो हमारे देश के जो पिछड़ी जातियाँ थी जब वो कन्वर्ट हुई मुस्लिम बनी तो वो आरएसएस के लोग उनको वापस यानी घर वापसी के लिए बड़ी कोशिश हुई, और बीजेपी आरएसएस ने ही इसका विरोध किया कि जो हिंदू से ईसाई या मुस्लिम बन गए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन किसको मिलना है, हिंदू धर्म में जो पिछड़ी जाति हैं इसलिए उनको रिजर्वेशन मिल रहा है कि उनका ऐतिहासिक तौर पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ, तो उस भेदभाव के कारण उनको रिजर्वेशन देना है। लेकिन ऐसी उसमें ईसाई और मुस्लिम्स में तो जातियाँ नहीं होती तो फिर उनको किस बात का रिजर्वेशन। तो ये बात कांग्रेस बताती रही है एससी एसटी को कि अगर बीजेपी सरकार में तीसरी बार आ गई तो आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दरअसल बेसिकली रिजर्वेशन के लिए हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है, ये 2024 का है, और उसी में ही फिर बीजेपी ने जब देखा कि कांग्रेस का ओबीसी कहीं क्लिक न कर जाए तो फिर बीजेपी ने प्रधानमंत्री ने इसमें मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला डाल दिया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम को रिजर्वेशन देना चाहती है। आज प्रधानमंत्री ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने बात कही, ये बात उन्होंने कही कि सबसे पहले कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था, फिर महाराष्ट्र में दिया, अब उन्होंने कर्नाटक में ओबीसी के तहत मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दे दिया है। तो इसका मतलब है कि जब इस सरकार में आएंगे तो ये एससी एसटी का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देंगे। तो बार बार कह रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री को मुसलमानों को नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम भी हैं, और अभी आप सरकार में हैं तो कोई संविधान संशोधन तो नहीं कर सकता जब तक आप सरकार में, और जैसे आप कह रहे हैं हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं तो फिर कांग्रेस संविधान संशोधन कहाँ करेगी। तो प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनको मुसलमानों के लिए उस तरह से ओपनली नहीं बोलना चाहिए, और जो बीजेपी के बाकी लीडर हैं वो बोलें, क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, तो पॉलिटिकल लड़ाई में बीजेपी के बाकी लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए जो आरएसएस की विचारधारा है उससे प्रभावित होकर कांग्रेस ने लोगों को डराना शुरू किया है, और प्रधानमंत्री ने फिर उस डर को निकालने के लिए कहा कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक एससी एसटी का रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होने दूंगा और मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। मुसलमानों को जो आर्थिक रिजर्वेशन है हमारे देश में उसमें मुसलमान आते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से वो भी पिछड़े हैं, और दूसरा जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़े में यानी ओबीसी में आती हैं, मुस्लिम्स उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे वो पसमानदा जाति हैं तो वो पिछड़ी जाति हैं, उनको ओबीसी में शामिल है पर उनको धर्म के आधार पर नहीं। यह जो कांग्रेस कर रही है वो धर्म के आधार पर कर रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अभी जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा यानी चौथे चरण के चुनाव पूरे, सातवें चरण के चुनाव पूरे हो जाएंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, तो ये मामला केवल चुनाव तक मुद्दा बना हुआ है, और इसलिए इसको बार बार जब कांग्रेस उठाती है, कांग्रेस कहती है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी उसका काउंटर करती है कि बीजेपी कभी भी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का
अपमान किया जब तक तो वो जीवित थे, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, और तमाम इस तरह की बातें होती हैं। पर मुझे लगता है कि चुनाव है तो चुनाव में ज़रूर ऐसा होता है। तो मित्रों आज चुनाव से रिलेटेड एक और खबर पर चर्चा करते हैं। आज दिल्ली पुलिस ने 7-8 लोगों को नोटिस भेजा है और उनको पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। उसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्ना रेड्डी भी हैं। तो ये जो तेलंगाना के सीएम है, दरअसल ये भी एक सवाल है कि एक सीएम को किस तरह से दिल्ली पुलिस के बुला सकती है। ये मामला है कि गृहमंत्री अमित शाह का एक वीडियो जिसमें उन्होंने आरक्षण ख़त्म करने की बात कही हुई है, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कह रही है आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हम नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस ने क्या किया कि आरक्षण ख़त्म नहीं हुआ, उनका एक वीडियो बीच से क्लिप काट दी और उसको गलत तरीके से पेश किया अपने ट्विटर हैंडल पर, और उनको ये कहा गया है अमित शाह के मुँह से कि वो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए बीजेपी का माहौल ख़राब हो रहा है रिजर्वेशन को लेकर। तो इसलिए बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत की कि कांग्रेस के खिलाफ एक्शन लो, और अब उन लोगों को नोटिस दिया गया जिसमें तेलंगाना के सीएम है और पश्चिम बंगाल की जो नेता हैं महुआ मोत्रा, और उनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनके ट्विटर हैंडल से ये वीडियो है, क्योंकि ये फेक वीडियो था, और उस फेक वीडियो के खिलाफ एस पर लॉ जो होगा वो कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी है। तो ये भी एक चुनाव का सही रिलेटेड है, और चुनाव के लिए ही बीजेपी ने शिकायत की थी और उस पर FIR हुई। और अब रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि हमको सीएम को गलत तरीके से बोला गया, मिसयूज हो रहा है, पहले ED CBI का मिसयूज हुआ, अब दिल्ली पुलिस का मिसयूज हो रहा है। तो मित्रों जो भी हो, ये तो राजनीति है और ये चुनाव है, चुनाव में सब कुछ जायज़ होता है, युद्ध होता है, युद्ध और प्यार, इन दोनों में सब कुछ जायज़ है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4 जून को हमें पता लगेगा। तब तक आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।